तो दोस्तों चेक करें, अभी अभी ना मैं ऊपर आया हूँ, मैं सो रहा था अभी मैं उठा हूँ, तो चेक करें बारिश हो रही है। तो वो सामने चेक करें, कबूतर बैठा हुआ है और ना काला देसी कबूतर है ये, हमारा वाला नहीं, हमारा वाला तो देखिए अंदर ही मौजूद है। और ये उस हिस्से में बैठा हुआ है जहाँ पे बारिश नहीं हो रही पिंजरे के पास, या जहाँ बारिश नहीं आ रही मतलब। और कबूतर मैंने देखा है, मैंने सोचा कबूतर खोलने जाता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, लेकिन ना इस बेचारे को ना लकवा हुआ है केज भी। ना सुबह में काफी ज्यादा तेज बारिश हुई थी, अंदर ना सारा गीला हो गया, बहुत ज्यादा गंद हो गया। और वो कबूतर देखें कोने में गंद में ही बैठा हुआ है पागल, ऊपर बैठने के बजाय डंडों पे बैठने के बजाय गंद में ही बैठा हुआ है देखें। तो ये काला देसी कबूतर पता नहीं कहाँ से आया, खुद ही उतर गया छत में और पुराने लकवे में भी। तो इस बेचारे को ना अभी तो मुझे पकड़ना ही पड़ेगा, तो वरना ये बारिश में किधर बेचारा ख्वार होता फिरेगा। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े बहुत कबूतर खोल के इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने दाना मारा, देखे दाना खा रहा है, बहुत ज्यादा भूखा हो रहा है। यानी चेक करें, मैं जो है ना इसके पास आ गया हूँ, पता नहीं उड़ जाएगा या नहीं उड़ेगा। जी यहीं से ही गेट खोलना है, क्योंकि देखें कैसे है गर्दन टेढ़ी मेढ़ी कर रहा है। मैंने खोलना है यहाँ से कील, यहाँ से भी कील निकालना है और इस ब्लॉक को भी खिसकाना है। चल तो थोड़ा सा आगे हो जा, आगे हो जा, अभी तुम्हें मैं सेफ जगह पे करूंगा। आगे हो जाओ, उड़ना नहीं उड़ना नहीं उड़ना नहीं। सही है, अब आ गया, अभी या तो ये खुद ही अंदर चला जाएगा मेरे ख्याल में। देखें जा रहे हैं पिंजरे वाली साइड में। तो अभी जो है ना मैं इसको पकड़ के सेफ जगह में, हमारा जो कबूतर बीमार कबूतरों की जगह है वहां पे बंद कर दूंगा। चेक करें, ट्राइपॉड लगाया मैंने, कैमरा लगा दिया ट्राइपॉड पे। तो बारिश जो है ना काफी ज्यादा तेज हो गई और सारे कबूतर देखें हमारे नहाना शुरू कर रहे हैं। इतना बारिश हो रही है और देखें बैठ के नहा रहे हैं, लेकिन इंजॉय कर रहे हैं। और वो देखें वो ना चारपाई के नीचे घुसा हुआ है बारिश से बचने के लिए, तो बेचारी चारपाई भी पूरी भीग गई, हम लोगों ने उठाई नहीं, सुबह में भी भीग गई, अभी भी भीग रही है। तो वो भी जो है ना लहाने बैठ गया देखें हमारे कबूतरों के साथ। तो मैं ना अभी पकड़ लेता हूँ उसको। ये चेक करें, ये आगे लकवा देसी काला कबूतर। तो ये इसकी आंखें हैं देखें, लकवे में है पूरा का पूरा है माशाल्लाह से, बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन बिल्कुल कमजोर नहीं है, हेल्दी है। तो ये हो सकता है ठीक भी हो जाए, लेकिन अभी तो मैं इसको कबूतरों में बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो अभी मैंने बस कबूतर खोले थे इसको पकड़ने के लिए कि ये कहीं उड़ नहीं जाए, फिर गिर गिरा जाएगा गली में, बिल्ली बिल्ली ना खा जाए इसको। तो आज पहला रोजा भी है, तो देखते हैं अभी इसके साथ क्या करते हैं। तो इस क्रेट में जो है ना मैंने बंद कर दिया उसको, चेक करें पीछे में बैठ गया, वहाँ कहीं काला कबूतर है नजर ही नहीं आ रहा अंधेरे में। तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, अभी जो है ना बारिश तेज होती जा रही है, तेज पे तेज होती जा रही है। तो मैं भी अपने कबूतर वापसी से बंद करने वाला हूँ। ये बेचारे पता नहीं क्यों नहाने बैठ गए, बेचारे हैं पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो बिजली भी जो है ना अभी सही की चमक रही है, आवाजें भी आ रही होंगी शायद आप दोस्तों को। तो मैं जो है ना अभी कबूतर बंद करता हूँ, फिर वीडियो को ना कंटिन्यू करेंगे बाद में, इन बेचारों को दाना पानी कराना होगा, अभी तो सारे नहाने बैठ गए। तो कबूतरों को जो है ना मैंने काफी कोशिश की है बंद करने की, बंद ही नहीं हो रहे, पूरे के पूरे भीग गए, लेकिन ना बंद नहीं हो रहे। एक का दुक्का ना बार बार ऊपर चढ़ जाते हैं और वहीं पे ही बैठ जाते हैं बारिश में नहाने के लिए। तो अभी कबूतर अपने ना खुले हुए थे एकदम से, वो जो कबूतर नहीं है ऑरेंज कलर वाला जो यहाँ पे घूमता रहता है जंगलियों में मिला हुआ, वो कबूतर अभी अभी आया और मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, वो सामने दीवार में चिपक गया वहां पे पूरा ना, अभी जाल में उतर गया था हमारे कबूतर ने फड़क मारी, यहाँ से फड़क मार के ऊपर जाल में बैठा था। तो ये कबूतर यहाँ से जाता एकदम जाल में बिल्कुल बैठने वाला, टांगे टच करने वाला था, और वहां जो है ना वहां जाके लटक गया। तो अब जो है ना ये सेफ हो गया बारिश से, वरना मैंने इसको भी पकड़ लेना था और इसको तो अपनी छत पे रखते, ये पक्का भी हो जाता। बड़ा प्यारा कबूतर है, मतलब प्यारा नहीं परवास के लिहाज से बड़ा प्यारा है, पूरा पूरा दिन उड़ता ही रहता है, गुलाटियां मारता रहता है, गुलाटियां भी मारता है, ये रोलिंग भी करता है। देखिए अभी जो है ना वहां पे बैठ गया, हो सकता है ये थोड़ी देर में खुद ही नीचे उतर जाए कबूतर, तो अपने वैसे ही बंद नहीं हो रहे। तभी कबूतर बंद करने के फौरन बाद ही ना मुझे लग रहा है कि इनको ना गर्म पानी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको ठंड लग गई ना सारों ने नजला जुकाम हो जाना है और सब कोई फिर से लकवा झोला हो जाना है। वैसे ही वो लकवे वाला कबूतर आ गया हमारे पास एक वायरस फैलाने के लिए, तो मुझे लग रहा है वो ठीक हो जाएगा, उसको देखेंगे कुछ इलाज विलाज करके ठीक करके अपने पास ही रख लेंगे। हो सकता है वो अभी भी उड़ता हो, यानी खाली गर्दन उसकी टेढ़ी मेढ़ी होती हो, लेकिन वो उड़ता भी हो सकता है। तो देखेंगे उसका क्या सीन है, बाद में देखेंगे उसको। फिलहाल अभी जो है ना ये बारिश बंद होगी ना, उसके बाद में इनको पानी वानी दाना वाना डालूंगा ना, तो गर्म पानी डालना पड़ेगा मुझे। तो दोस्तों अभी अभी जो है ना एक बहुत ज्यादा ना अफसोसनाक हादसा हुआ है, पता नहीं कैसे वो हो गया। मैं ना मुर्गी को खोल के गया था, घर वालों ने ना मुर्गी बंद कर दी, मैंने खोलता हूँ इसको ताकि ना ये यहाँ पर बैठी रहती है, जैसे ही बिल्ली आती है कुछ भी आता है ना तो एकदम बहुत ज्यादा शोर मचाती है, तो पता लग जाता है कि बिल्ली आई हुई है।
तो घर वालों ने ना अभी इसको बंद कर दिया था, और ना कबूतर मैं खुले छोड़ के गया था, अभी ना धूप आ गई थी, तो मैंने सोचा था धूप वूप में ना थोड़ा बैठेंगे, परवर सुखा लेंगे अपने, वरना जो है ना इनको सर्दी लग जाएगी। जो हमने शिराजी कबूतरी पकड़ी थी ना, तो बिल्ला जो है ना अभी मैं नीचे था, मैंने मुर्गी वगैरह खोली थी, घर वालों ने उसको बंद कर दिया, कबूतर खुले हुए थे, तो बिल्ला जो है ना आया और उसने ना उस शिराजी कबूतरी को पकड़ लिया। मैं नहीं था, मुझे नहीं पता था। फैसल उस्ताद जो है ना सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा बिल्ली है, तो उन्होंने ना एकदम उसको भगाने की कोशिश की। अभी देखे कबूतर कितने ज्यादा डर गए, हल्की सी भी झलक हो रही है ना तो ऊपर बैठ रहे हैं। उन्होंने ना बिल्ली को भगाने की कोशिश की, तो बिल्ली ना नीचे भागने के बजाय ऊपर भागी, और वो ना शिराजी कबूतरी को उसने पकड़ लिया था, तो शिराजी कबूतरी को ना लेके ही भाग गई, यहाँ से डायरेक्ट कूदी है बराबर में, और यहाँ से ना उनके घर का गेट खुला होता है, तो वो जो है ना नीचे लेके भाग गई उसको। तो इतनी प्यारी शिराजी कबूतरी थी हमारी। बस मैं ना मुर्गी को खोल के गया था, मैंने सोचा था ये बिल्ली बिल्ली आती है तो बहुत ज्यादा शोर मचाती है, बिल्ली खुद डर के भाग जाती है नीचे, अगर नहीं भी भागती तो हम लोग आ जाते हैं फौरन देखने के लिए कि क्या हुआ है, तो हमें पता लग जाता कि बिल्ली वगैरह आई हुई है। लेकिन ना वो मुर्गी भी बनती तो वो कबूतरी को ना बिल्ला उठा के लेके भाग गया, तो कबूतर भी ना भी काफी ज्यादा डर गए। तो मैंने तो खोले थे धूप के लिए, लेकिन पहला रोज है आज और मुझे पता भी नहीं था ऐसा हो जाएगा, तो बहुत ना मेरे को अफसोस हो रहा है। कल हम लोगों ने पकड़ा था उसको बिचारी को, पर वगैरह बांध के छोड़ दे, ये जो है ना पर नहीं है इसका उधर के, ये भी ऊपर बैठ गया था, बराबर में कूदने ही वाला था लेकिन बच गया, बिल्ली ना भाग गई, तो वरना ये भी कूद जाता। और भी कबूतरों का शुक्र है नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एक कबूतरी वो पकड़ के ले गई है, और वो बहुत प्यारी कबूतरी लगी थी मेरे को, बहुत मुश्किल से हमने पकड़ी थी उसको, तो पता नहीं बस क्या ही हुआ। कबूतरों का ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो असील चिक्स भी ना मैं अभी बंद करके गया था थोड़ी देर पहले ही, ये भी ना बाहर खुले हुए थे, बारिश हो रही थी तो मैंने इनको बंद कर दिया था, तो मुर्गी को मैंने खोला था लेकिन मुर्गी घर वालों ने बंद कर दी, तो इस वजह से आज हमारा नुकसान हो गया। बाकी वो जो कबूतर मैंने पकड़ा था ना सुबह सुबह में, तो उसको तो मैंने अभी यहाँ पे बंद किया हुआ है, ये भी जगह ना थोड़ी सी मतलब अभी कपड़ा डाला हुआ नहीं है ना पूरा, तो थोड़ी बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, तो इसका भी करेंगे, इसका कपड़ा ढक के ही रखा करेंगे, वरना बिल्ली ने पहले भी यहाँ से एक बार हमारा कबूतर निकाल लिया था, तो इसका भी ना बेचारे का ऐसा नहीं, इसको सेफ करने के चक्कर में इसकी जान ही चली जाए। तो बिल्ली को ना अब छोड़ना नहीं, हमने बिल्ली पता नहीं कौन सी थी, फैसल उस्ताद ने देखा है बिल्ली कौन सी थी, कबूतर अभी काफी ज्यादा डर गए, सोच रहा हूँ इनको बंद बंद ही कर दूं, बाहर रहेंगे वापसी बिल्ली आएगी ऐसा नहीं किसी और को भी पकड़ के ले जाए। तो मैं तो चाहता हूँ जल्दी से ना हमारे असील चिक्स बड़े हो जाएं, ये ना छत पे ही बैठे रहेंगे, खुले रहेंगे पूरा दिन, और बिल्ली बिल्ली जो भी आएगी ना उसको ये लोग खुद ही देख लेंगे, शोर मचाएंगे, मारेंगे उसको, तो बस उम्मीद है कि जल्दी से बड़े हो जाएं। अभी इनको खुला रखा होता ना तो इनमें से ही किसी को पकड़ के ले जाती। दोस्तों अभी जो है ना थोड़ी बहुत सफाई वगैरह की है मैंने, देखें अंदर से सफाई की है, यहाँ से भी की है और यहाँ से भी की है, बारिश की वजह से ना बहुत ज्यादा गंदगी हो गई थी, तो कबूतर मैंने ऊपर कर दिए थे बाकी के, और जो है ना नीचे से सफाई वगैरह कर ली, तो अभी थोड़ी देर में ना इनको दाना डालने का भी टाइम हो जाएगा, तो इनको दाना डालेंगे आज प्यालों में। ये दो प्याले पड़े नीचे, दो प्याले पड़े ऊपर, तो जमीन क्योंकि ना गीली हो रही है और गंदी भी हो रही है, तो सफाई तो हालांकि मैंने की है लेकिन पानी मार के सफाई नहीं की, तो इस वजह से ना इनको प्यालों में ही दाना खिलाएंगे। पहले काफी सारे टूट गए थे, ये जो है ना ब्रीडिंग वाले प्याले हैं थोड़े थोड़े, ये भी गंदे, तो इनका गुजारा हो जाएगा, लेकिन जमीन से ज्यादा तो गंदे नहीं हो सकते ये, तो इनमें आज इनको दाना खिलाएंगे, तो अभी थोड़ी देर में इनको डालेंगे। बाकी कबूतर तो है ना अपने सारे पूरे हैं माशाल्लाह से, उस टाइम पे ना कुछ उड़ रहे थे, जैसे मक्को कबूतर ना उड़ रहा था, पता नहीं वो अभी भी किधर है, वो ऊपर बैठा हुआ डरा हुआ है बहुत ज्यादा, नीचे ही नहीं आ रहा, और ये कबूतर भी नीचे नहीं आ रहा, और ये कालू मदारी कबूतर ना हमारा बिल्ली से पता नहीं, बिल्ली ने शायद पहले इस पर अटैक किया है क्या किया है, ये भी जो है ना बहुत ज्यादा डरा हुआ है, देखे ना नीचे आ रहा है और जो है ना फूल के बैठ भी गया, सुबह में बारिश में भी नहाया था, या तो इस वजह से इसको ठंड लग गई है मेरे ख्याल में। तो कबूतर तो ना माशाल्लाह से बाकी के हमारे सारे सेफ हैं, बस वो एक कबूतरी का ना नुकसान हो गया, अभी कल परसों ही में हमने पकड़ी थी उसको, पकड़ा और दो दिन बाद जो है ना बिचारी की मौत लिखी हुई थी नसीब में, हम पकड़ते नहीं ना तो बिचारी शायद बच जाती, हमने उसको पकड़ा मैं, पर आज उसके सोचा था ये देखें कैसे डर के, हालांकि अभी कबूतर ने अंदर से फड़िक मारी है डंडे पे बैठने के लिए, कैसे सारे के सारे डर के मारे ऊपर जाके बैठ गए, मैंने सोचा था आज ना उसके पर खोल दूंगा, लेकिन आज बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कल खोलूंगा, तो बस कल में ना वो बिचारी अब बिल्ली के मुंह में चली गई पर बंधे हुए होने की वजह से, तो इस कबूतर के भी ना पर बंधे में बेबी पिजन गए, इसके भी मैं पर खोल दूंगा, अभी तो नहीं खोल रहा क्योंकि अभी कबूतर काफी ज्यादा डरे हुए, अगर ये उड़ गया तो फिर वापसी भी नहीं आएगा, और इसके आ रहे हैं पर, इसके भी आ रहे हैं और उसके भी आ रहे हैं, बाकी ये कबूतरी ना उड़ नहीं पा रही, वो काली वाली भी उड़ नहीं पा रही, तो अब जब भी नीचे जाया करेंगे तो इनको बंद करके जाना पड़ेगा, और भी जो थोड़े बहुत कबूतर है ना जो देर से ऊपर जाते हैं, तो उनको भी जैसे ये कबूतर है लेकिन नीचे ही बैठा हुआ है, तो इसको भी बंद करके जाना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी, अभी बच गए वैसे बाकी सारे कबूतर हमारे। तो ये चेक करें, ये बिल्ली थी जिसने ना कबूतर खाया था, देखें अभी भी वापसी से आई हुई है, बिल्डिंग के अंदर घुसी हुई बाइक पे बैठी हुई है, तो अभी ना मैं नीचे उतरूंगा, ये वापसी ऊपर चढ़ के आ जाएगी और फिर कबूतरों को डराएगी हमें लग रही, एक कबूतर अभी ये लेके चली गई है, अभी ये वापसी आया कि मैं अभी ऊपर ही हूँ, अभी इसका इंतजार कर रहा हूँ, ये ऊपर आएगी ना इसको तो मैंने छोड़ना नहीं आज,
अब ये ना क्योंकि बार बार आएगी, बार बार, एक बार इसने कबूतर खा लिया ना हमारा, तो अब ये बार बार आएगी, बार बार कबूतर पकड़ने की कोशिश करेगी, और भी बिल्लियां आएंगी अब इसकी साथ साथ। अभी जो है ना मैंने कबूतरों का दाना वाना करा दिया, थोड़ी देर में इनको पानी भी रखूंगा, यहाँ पे भी दाना डाले, यहाँ पे एक प्याले में दाना डाले और बाकी दो प्यालों में ऊपर दाना डाले, तो फिर से इनका प्यालों में आ गया दाना। थोड़े दिन हो गए थे लोग जमीन पे दाना खा रहे थे, तो अब जो है ना फिर से सही से दाना खा रहे हैं साफ जगह से, तो इनको भी ना मैंने बाहर डाल दिया। बारिश हुई थी, जमीन जो है ना काफी ज्यादा साफ हो गई है, तभी ये यहाँ पे दाना खा रहे हैं। तो अभी जो है ना फैसल उस्ताद भी आ गए, तो गोलू को निकाले सुबह में, तुम फीड कराना भूल गए इसको है, आज सुबह में बारिश हो रही थी आए ऊपर और इसको फीड कराना भूल गए और चले गए काम पे, तो अभी शाम में वापसी आए इसको फीड कराने के लिए। देखे तो अभी जो है ना इसको फीड वीड करा के वापसी चले जाएंगे। फिलहाल बिल्ली का यार तुम कुछ करो, अब बिल्ली का करना पड़ेगा, तुम्हारे सामने ले गई यार। नहीं मैं नीचे से कपड़े उतार रहे थे ये वाले, हाँ रस्सी से, तो एकदम से ना मेरे को दिखा बिल्ली, फिर मेरे दिमाग में कहीं कबूतर वगैरह तो नहीं खुले, तो ऊपर आया था उसको पकड़ के नीचे लेके जा रहा था। अच्छा वो तुमसे पहले तुमने तुम्हारे उसको देखने से पहले ही वो पकड़ के नीचे लेके जा रहा था, तुमने नीचे से उसको भगाने की कोशिश की। हाँ नीचे खड़ा हुआ था वो, तो ऊपर आया तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कबूतर नहीं खुले हो, तुमने देखा नहीं था उसके मुंह में ही था पहले, मैं ऊपर भाग गया था खाली, मैंने बिल्ली को देखा सही, यानी पकड़ा हुआ था उसने पहले से ही। मैं जब ऊपर चढ़ा ना तुम्हारे स्टेप पे आया ना, ऊपर आया यहाँ से भाग गया, नीचे भाग गया ना वो बराबर में, हम जा भी नहीं सकते थे, उसके मुंह में ही था वो। बड़ी प्यारी कबूतरी थी यार वो, ले गया ये चुकर बनाओ, बाकी के सारे बज गए पट्ठा और अपने कबूतर बाकी के भी खुले हुए थे, तो अब जो है ना इनका ध्यान रखना पड़ेगा और बिल्लियों का कुछ करना पड़ेगा यार। तंग कर रही है, कभी कोई बिल्ली आके कबूतर मार देती है, कोई भी कोई ले के भाग जाती है, वो तो मैं चूजे उस टाइम पे बंद करके गया था, वो बच गए चूजे, बस मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे जल्दी जल्दी से हमारे तीन बदमाश बड़े हो जाएं, इनको पूरा दिन खुला छोड़ देंगे छत पे, बिल्ली आएगी ये खुद ही उसको निपट लेंगे। हाँ तो दाना वाना जो है ना कबूतर खा चुके, फिलहाल आज की वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ी बहुत ना केयर करनी पड़ेगी अपने पेट्स की, बिल्लियों से इनको बचाना पड़ेगा, बिल्लियों ने ना बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है, तो इनका भी ना कोई जुगाड़ करेंगे। बीच में हमने कोशिश की थी पकड़ने की लेकिन पकड़ में नहीं आई हमारी, तीन चार बिल्लियां तो हम छोड़ के आ गए थे लेकिन और पता नहीं कहाँ से आ जाती है, शायद कोई और हमारे यहाँ ला के छोड़ देता है, हम किसी और के पास ले जाके छोड़ते हैं, कोई और यहाँ ला के छोड़ दिया है, अब हमारा नुकसान कर देती है बिल्लियां फिर। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेगा आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।